सबसे पहले जरा ये डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने इनिशियली ये चीज पढ़ी भी थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीन रिफॉर्म्स क्यों स्टार्ट किए गए, इसके पीछे के रीजंस क्या थे, तो वो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है दैट इज इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। ये चीज मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताई थी कि फिस्कल डेफिसिट को अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग से रिलेट करो। एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है दैट विल डिस्कस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो इसको ब्रॉडर वे में हम एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए इसका मतलब होता है बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट जो वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में करती है। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट हम देख रहे थे कि 1980s के बाद से ना कुछ ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, और हम जब फिगर्स की बात करते हैं तो 1981 में इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 5.4% ऑफ GDP, इतना था। और जब हम 1991 की बात करते हैं, मतलब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए ही थे, तब वो 3 गुना बढ़ गया था, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 8.4% ऑफ GDP। तो इससे पता चलता है कि फिस्कल डेफिसिट पहले कितना था और अब कितना इंक्रीज हो गया। मतलब 1980 में इट वाज 5.4% ऑफ GDP एंड देन इट इंक्रीज टू 8.4% ऑफ GDP। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो इतनी इतने लोन्स ले रही थी, इतनी बोरोइंग्स कर रही थी कि उनको रीपे करने के लिए भी एडिशनल बोरोइंग्स उनको करनी पड़ रही थी। तो वी वर हाईली इन डेट ट्रैप, पूरी तरीके से हम किस में फंस चुके थे, डेट में फंस चुके थे, एक डेट ट्रैप बन गया था हमें। मतलब इसको हम एक टर्म से डिनोट करते हैं जो हम मैक्रो में डिस्कस करेंगे कि एक विशेष सर्कल जिसको हम बोलते हैं उसमें हम फंस गए थे, जिससे निकलना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस और अंटिल हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे देते। साथ में हमारा जो BOP था वो एडवर्स था उस टाइम पे। एडवर्स का मतलब ये होता है जब पेमेंट्स ज्यादा होती हैं और रिसीट्स कम कलेक्ट होती हैं बाय द गवर्नमेंट। मतलब आप इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हो और आपके एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, दैट सिचुएशन इज नोन एज एडवर्स BOP। और वो हम देख सकते हैं 1980 में इट वॉज अप्रोक्सीमेटली ₹2,200 करोड़, और वो कितना बढ़ गया 10 सालों में ही, 17,000 करोड़। मैंने ये अप्रोक्स फिगर्स लिखी है, तो इतना इंक्रीज हो गया। इससे साफ साफ ये देखने को मिलता है कि इवन आफ्टर लिवाइंग दैट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी कि भाई इम्पोर्ट्स पे टैरिफ और कोटास के फॉर्म में बैरियर्स इम्पोज करो, उसके बाद भी देयर वॉज नो रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स, एंड वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो हमारे पेमेंट्स इतनी ज्यादा थी और हमारे रिसीट्स बहुत कम थी, ये भी एक रीजन है जिससे हमें LPG पॉलिसी लानी पड़ी। इसी से एक पॉइंट कनेक्ट होता है कि क्योंकि हमारी पेमेंट्स ज्यादा थी, वी वर हाईली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स, तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे मेनली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स वो घटते जा रहे थे। 1980 में इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 8,200 करोड़, और वो 10 साल में 6,000 करोड़ हो गया था। इतना डिक्रीज हो गए थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज ही हो रहे थे, और उसका सिंपल रीजन इसी से रिलेट होता है, इम्पोर्ट्स वर मोर देन एक्सपोर्ट्स। ऐसे ही इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ये इसकी फिगर मुझे याद नहीं है, मैंने नोट्स में दी है नहीं दी है, बट इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 16%, जो अभी तक कभी भी नहीं हुआ। जब इन्फ्लेशन रेट 5% हो जाता है ना, तभी अब इकोनॉमी में एक वो हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की फेज आ जाता है अगर 5% हो जाए इन्फ्लेशन की। यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, बहुत ज्यादा हो गया। उस टाइम पे इट रीच 16 to 17%, और उसका सबसे बड़ा रीजन हम गवर्नमेंट को मानते हैं उस टाइम पे। और उसका रीजन क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बजट है ना वो नेगेटिव जाता था उस टाइम पे बहुत, मतलब गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा होते थे और गवर्नमेंट के रिसीट्स बहुत कम होते थे, तो गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को ना फाइनेंस करती थी, करवाती थी रादर, अपने डेफिसिट को फाइनेंस करवाना, इस टर्म का मतलब ही है डेफिसिट फाइनेंसिंग का, कि गवर्नमेंट का जो बजट नेगेटिव में जा रहा है उसको फाइनेंस करवाती थी वो किसके थ्रू, RBI के थ्रू। वो RBI को बोलती थी कि भैया मैं तो डायरेक्टली पब्लिक पे ज्यादा टैक्स लेवाए नहीं कर सकता, तो आप एक काम करो, आप मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज कर दो। जैसे ही RBI मनी सप्लाई बढ़ाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो डिमांड ज्यादा करना स्टार्ट करेंगे,
और जैसे ही वो डिमांड ज्यादा करेंगे वैसे ही प्राइसेस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या फायदा, क्योंकि जैसे ही लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा गवर्नमेंट को एक मौका मिल जाएगा ज्यादा टैक्स इम्पोज करने का ऑन द इनकम ऑफ पीपल, दैट इज इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को यहाँ पे बढ़ा सकती है। ये टर्म्स मैं तुम्हें क्लियरली एक बात बता दूं, ये टर्म्स जो हम पढ़ते हैं ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे आपको। लॉन्ग टर्म बेनिफिट का मतलब ये है कि ये तुम कभी नहीं भूल सकते, ये तुम कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। मतलब तुम्हें ये कोई और सब्जेक्ट भी नहीं बताएगा और तुम्हें ग्रेजुएशन में तो कोई नहीं बताएगा। तुम जो पढ़ रहे हो, तुम इस 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, ये जो इंडियन इको के टर्म्स डेफिसिट फाइनेंसिंग है या कोई भी टर्म है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स है, कुछ भी है, ये सारे के सारे टर्म्स आपको ग्रेजुएशन में कोई नहीं समझाएगा। देयरफॉर मेरे लिए जब मैं इंडियन इको करवा रही हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी बच्चा छुट्टी करे, क्योंकि ये टर्म्स बहुत मैटर करेंगे। अभी तुम्हें भले ही समझ ना आए बट यू विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन ये कितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो बहुत खुश थी जब इंडियन इको 11th से 12th में आ गई थी, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि 11th का बच्चा इसको सिर्फ रट के भूल जाता था और अब बच्चा जो है इसको अंडरस्टैंड करेगा कि वॉट एग्जैक्टली इज दिस। ठीक है, देखो इधर तो इन्फ्लेशन इन द फॉर्म ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से एलपीजी पॉलिसी लानी पड़ी। और ये एक पॉइंट, हर चीज पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी, पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप में होती थी, उसकी वजह से करप्शन, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट हो रही थी गवर्नमेंट की, तो उसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, बहुत करप्शन इंक्रीज हो रहा था, इसका फायदा उठाया जा रहा था बाय द मोनोपोली क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। तो पुअर परफॉर्मेंस रही है पब्लिक सेक्टर की, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस नहीं हो रही थी और करप्शन बढ़ता जा रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स रिलेट होते हैं व्हेन इट कम्स टू नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जल्दी बढ़ लो, फिगर्स ट्राई करना अभी के अभी, लर्न भी हो जाएंगे अप्रोक्स। थोड़ा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो, लेफ्टवर्ड यही, लेफ्ट राइट नहीं हो सकता यश, बल तेरे को क्या देखना है तो मुझे बता, तेरे को कौन सा वाला पॉइंट देखना है। अच्छा पूरी स्क्रीन में दिख रही है तुम लोगों को, दिख रही है यश तेरे को नहीं दिख रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ तू रिज्वाइन कर ले एक बार, क्योंकि ऐसे होना तो नहीं चाहिए, एक बार रिज्वाइन कर ले। ट्राई करना कि हैंड टू हैंड ये पॉइंट्स तुम लर्न भी कर लो, मतलब फिगर्स, क्योंकि ये जब आएंगे ना क्वेश्चंस तो तुम्हें ये फिगर्स जो मैं बता रही हूँ वो लिखनी कंपलसरी है। अभी सही है, ठीक है यश, ठीक है।
आप अलग ठीक है, डाउट है तो पूछ लियो, बट अभी मतलब डाउट नंबर पे पूछ लियो। अगर छोटा मोटा डाउट है तो अभी पूछते हैं, बट अगर कुछ बड़ा सा डाउट है तो वो डाउट्स नंबर पे। जब हो जाए तो बता दें। जी हाँ, यस, फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट्स टोटल बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, कि एक साल में गवर्नमेंट कितने लोन्स ले लेती है, चाहे आरबीआई से ले, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले, चाहे प्राइवेट सेक्टर से ले, कहीं से भी। चले आगे, हो गया। जो भी हम टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, जब मैं नोट सेंड करूंगी तो मेक श्योर कि ये हर क्लास में मैं बोलती हूँ कि अगली क्लास से पहले पहले इन टॉपिक्स को कवर कर लिया करो पूरी तरीके से, ठीक है? मतलब बाद के लिए कुछ भी मत छोड़ना। देखो, अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जो मेन टॉपिक है, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे एक छोटा सा छोटी सी फिगर आती है कि हमारे कंट्री ने वर्ल्ड बैंक एंड IMF को अप्रोच किया था और उनसे मांग की थी कि हमें कितने डॉलर्स, कितने बिलियन डॉलर्स का हमें लोन ग्रांट किया जाए। उनको करीब 7 बिलियन डॉलर्स का लोन ग्रांट किया गया था बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF, और उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी जिसको हम तीन फॉर्म्स में डिस्कस करते हैं। दैट इज, जिसमें सबसे पहला टर्म जो आता है, दैट इज लिबरलाइजेशन। लिबरल एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इसी के अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी आता है और ग्लोबलाइजेशन भी आता है। लिबरलाइजेशन इज अ वास्ट टॉपिक, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं कि इकोनॉमी को पूरी तरीके से लिबरल कर दो, पूरी तरीके से फ्री कर दो फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स या ऑल टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, या सर्विस सेक्टर में हो, या ट्रेड में हो, किसी में भी। तो फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स इज द टर्म डिनोटेड एज लिबरलाइजेशन। इसमें टोटल हम 5 रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, किसी एक रिफॉर्म से क्वेश्चन आएगा 3 या 4 नंबर का, किसी एक रिफॉर्म से। बहुत मैंडेटरी क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन। सबसे पहला रिफॉर्म, और तभी हमारे लिए लर्न करना बहुत आसान हो जाए होता है, क्योंकि रिफॉर्म्स को अपने आप में डिवाइड करके दिया हुआ है। इंडस्ट्रीज के अलग रिफॉर्म्स, फाइनेंस के अलग रिफॉर्म्स, ट्रेड के अलग रिफॉर्म्स। तो ऐसे ही सबसे पहला जो रिफॉर्म हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। मतलब यहाँ पे पिछले चैप्टर में जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, ठीक करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो अननेसेसरली गवर्नमेंट ने पहले लिवाए कर रखी थी, उसको पूरी तरीके से हटा दो। मतलब मुझे अगर नॉर्मल कंज्यूमर गुड वाली इंडस्ट्री सेटअप करनी है, नॉर्मल बेसिक गुड्स या कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उसके लिए भी मुझे लाइसेंस इशू करवाना पड़ता था बाय द गवर्नमेंट। अब बोला गया कि भाई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दो, एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो अभी भी, जिनको लाइसेंस की कंपलसरी रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें भी एक एग्जाम्पल ऑफ टोबैको का एग्जाम्पल आता है, एल्कोहल का एग्जाम्पल आता है, या फिर फार्मा का एग्जाम्पल आता है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इसका एग्जाम्पल आता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, एटॉमिक एनर्जी है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आपको इन गुड्स से रिलेटेड इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो अभी भी आपको लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी फॉर 5 to 6 इंडस्ट्रीज। साथ में ये बोला गया कि पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के रोल को कम कर दो। हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर रहेगी तो मोनोपोली क्रिएट होगी, और बिकॉज ऑफ दैट मोनोपोली कंट्रोल करप्शन बढ़ेगा और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इट वॉज प्लान कि डिक्रीज द रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जिसमें हम मतलब जैसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, वाटर सप्लाई है, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी
जो जिसका रोल पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में थोड़ा सा रिड्यूस किया गया और इन सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया गया, मगर अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स थे, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट की ओनरशिप में थी मैंडेटरी, जिसमें हम रेलवेज का एग्जाम्पल लेते हैं या फिर डिफेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी बाद में प्राइवेटाइज हो गया, मगर हम फिर भी एग्जाम्पल जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि एक्सेप्ट फ्यू सेक्टर्स जिसमें मेन आता है रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये अभी भी पब्लिक सेक्टर कंट्रोल में रहेगा, डिफेंस आता है, करप्शन तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना गवर्नमेंट का रोल हो गया था। एक मिनट पलक, क्या लिखा है? क्योंकि करप्शन इंक्रीज हो गया था इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना गवर्नमेंट का रोल हो गया था। नहीं, पलक, प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी तब होता है जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तभी होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करोगे अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सेक्टर्स में। तो हम बस ये कहते हैं करप्शन, यहाँ पे करप्शन का मतलब पता है क्या है? कि आपने अपने पास पैसे होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, आप उसको डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, इट इज कंसिडर्ड एज ब्लैक मनी, तो दैट रिलेट्स टू करप्शन। इसका मतलब ये नहीं है, करप्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट नाउ। नहीं, profit maximization is a different aspect, different term, or corruption is a different term. ठीक है, ऐसे ही third point ये बोला गया कि अब जो है production small scale industries की तरफ से होती है उनको de-reserve कर। de-reserve का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पहले ना initially जब SSI introduce हुई थी तो 5 लाख invest करके small scale industry setup हुआ करती थी, सिर्फ 5 लाख, बहुत minimum value। और हमने ये देखा कि यार अगर इतनी कम इन्वेस्टमेंट रहेगी ना तो लोग डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे गुड्स को, मतलब जैसे वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बिकॉज ऑफ दिस लो इन्वेस्टमेंट। तो ये बोला गया बाय द गवर्नमेंट कि अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा दें तो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट वॉज प्लान कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया जाए। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पर 1 करोड़ कर दो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ताकि वो जो अभी हम लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, लिमिटेड वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, वो ना हो, हम वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकें एज पर द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। तो डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें हम किसकी बात करते हैं कि द इन्वेस्टमेंट का अमाउंट शुड बी इंक्रीज, एंड दैट वाज इंक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली, नॉट अप्रोक्सीमेटली, टू एग्जैक्टली ₹1 करोड़, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कर दिया था, ताकि वेराइटी ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बना सके। पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि हम बाहर से कोई मशीनरी इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। अब बोला गया कि कैपिटल गुड्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करे जाएं, अगर आपको लगता है कि आपकी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए जो यहाँ पे अभी ऑपरेशनल नहीं है, इंडिया में नहीं है पर बाहर मिल रही है, यू आर फ्री टू इम्पोर्ट दोस कैपिटल गुड्स, दोस मशीन्स, ताकि आप इंडिया में उसी टाइप के गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकें। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं किस रिफॉर्म में, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज कि सब हेडिंग पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में कंटेंट आ जाना चाहिए जल्दी। यस, थर्ड पॉइंट बस ये बोलता है कि जो भी प्रोडक्शन अभी तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होती थी वो लिमिटेड प्रोडक्शन होती थी। शुभम भाई बता रही हूँ मैं कि वो लिमिटेड प्रोडक्शन होती थी। तो अब जो रिजर्वेशन है उसको चेंज कर, मतलब अभी जो रिजर्वेशन का अमाउंट था, दैट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, दैट वॉज अप्रोक्सीमेटली 5 लाख, उसको बोला गया कि उस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को इंक्रीज करो ताकि
हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना सके, लार्ज स्केल पे ले जा सके और हम वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सके। हाँ शुभम, इट मीन्स चेंज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो अगले जो रिफॉर्म्स हम डिस्कस करते हैं दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंस जो सिर्फ पैसे की बात करेगा, पैसा इन टर्म्स ऑफ रिजर्व बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स। देखो इधर बोला गया पहले आरबीआई हर छोटा डिसीजन भी खुद लेती थी, जिसको हम सुपरविजन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मानते हैं आरबीआई के, जो हमने मनी एंड बैंकिंग के फंक्शंस पर भी पढ़ा था, सुपरविजन ऑफ बैंक्स, चाहे मर्जर हो, एक्सपेंशन हो, बेसिक सेविंग्स रेट या बोरोइंग्स रेट डिसाइड करना है जो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को देती है, वो हर चीज आरबीआई से होके गुजरती थी, आरबीआई डिसाइड करती थी उसको। अब बोला गया कि आरबीआई पहले हर चीज जो रेगुलेट करती थी उस रेगुलेशन वाली चीज को रिड्यूस किया जाए और आरबीआई को फैसिलिटेटर बनाया जाए। फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर का मतलब आरबीआई सिर्फ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, फैसिलिटीज अवेल करेगी, बाकी छोटे छोटे डिसीजंस रिलेटेड टू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है बोरोइंग्स का, कितना सेविंग्स का इंटरेस्ट रखना है रेट, तो वो सारी चीजें अगर टर्म्स एंड कंडीशन सारी फुलफिल कर देती है कमर्शियल बैंक और उनको अगर नई ब्रांचेस सेटअप करनी है तो वो भी डिसीजन को खुद अपने कंट्रोल में ले सकती है कमर्शियल बैंक। तो ये जो रोल ऑफ आरबीआई है एंड द सेटिंग अप ऑफ न्यू ब्रांचेस, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आरबीआई पहले हर चीज रेगुलेट करता था, उसके रेगुलेशन वाली चीज को रिड्यूस करके उसको फैसिलिटेटर बनाया गया कि अब बस आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, जो बेसिक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स वाले रेट है वो आरबीआई डिसाइड करेगी, बैंक रेट कितना होना चाहिए, सीआरआर कितना होना चाहिए, एसएलआर कितना होना चाहिए, वो आरबीआई के कंट्रोल में अभी भी रहेगा। साथ में पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक सेटअप नहीं हुआ करते थे, तो अब बोला गया आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक सेटअप किए जाएं, क्योंकि हमें इनकी जरूरत थी टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। अभी तक कमर्शियल बैंक सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, तो सोशल वेलफेयर वॉज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दोज पर्टिकुलर बैंक्स। अब बोला गया है कि हमें अगर ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है तो हमें हर सेक्टर में प्रॉफिट इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ज्यादा से ज्यादा। साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, मेनली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो। नो डाउट जब प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशनल होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो अट्रैक्ट करता है बाहर के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बोला गया कि जितने ज्यादा प्राइवेट बैंक्स होंगे उतनी ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होंगे, मतलब जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स का यूजुअली एग्जांपल लेते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हो और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हो, दोनों में डिफरेंस ये है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब जब बाहर वाले इंडिया में पूरा एक एसेट परचेज कर ले, कोई पूरा बैंक खरीद लिया, पूरी बिल्डिंग खरीद ली, दैट इज एफडीआई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है जब आप पूरी तरीके से एसेट को कंट्रोल नहीं करते, उसके एक पार्ट ऑफ शेयर्स परचेज करते हो,
जिसमें मेनली वी टेक एग्जांपल ऑफ शेयर्स का एग्जांपल ले सकते हो, म्यूचुअल फंड्स का एग्जांपल ले सकते हो, और ये सिर्फ इसीलिए किया गया ताकि मुझे पता है कि भाई, या बैंकिंग कम्युनिटी को पता है कि अगर ये सब चीजें आएंगी तो लोग भी एनकरेज होंगे बैंक्स में अकाउंट ओपन करने के लिए, और वो जो पहले मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट रहते थे या अदर थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट रहते थे उस पर नहीं रहेंगे. तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती हैं इससे. गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी मिलेगा, गवर्नमेंट उस पैसे को डेवलपमेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज भी कर सकती है. तो ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, जिसका कोई एक रीजन नहीं है. देयर आर मल्टीपल रीजंस कि ये सब चीजें क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी. तो ये चार पॉइंट्स आते अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. जल्दी बढ़ते कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो लिखा है अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स बताओ, तो कनेक्ट करो उनको इंडस्ट्रीज से. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स बताओ, अच्छा पहले ये दिक्कतें थी तो अब क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला होगा. तो वैसे अगर भूल भी जाओ तो भी याद कर सकते. सबका हो गया. ठीक है, अगले जो रिफॉर्म्स हम डिस्कस करते हैं दैट इज फिस्कल या टैक्स रिफॉर्म्स. कुछ छोटी छोटी चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ, याद रखना है. फिस्कल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट की होती है. देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसी इन इकोनॉमिक्स. वन इज फिस्कल पॉलिसी, द अदर वन इज मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी कभी भी अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए तो तुम्हें पता होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बहुत अलग है ये दोनों टर्म्स. फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट से रिलेट होती है और मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इसके ओनरशिप में होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की. हम इस पॉलिसी को टैक्स रिफॉर्म्स इसलिए बोल रहे हैं, वैसे तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का खर्चा भी आता है और रिसीट्स भी आती है. यहाँ पे फिलहाल के लिए हम खर्चों की बात नहीं कर रहे. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट रिसीट्स जो मेनली किस फॉर्म में होती है, टैक्सेस के फॉर्म में. तभी हमने फिस्कल रिफॉर्म्स या टैक्स रिफॉर्म्स दो नाम से इसको डिनोट किया. ठीक है, हम खर्चों की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिसीट्स की बात कर रहे हैं. टैक्सेस पहले, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, लोग डायरेक्ट टैक्स तो ज्यादा पे नहीं करते थे. और उसका एक सिंपल सा रीजन था क्योंकि देवर इन द नोशन की यार बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं और हम क्यों पे कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इस पैसे को ढंग से यूटिलाइज नहीं करती है. देयर आर सेवरल रीजंस जिसकी वजह से लोग जो है टैक्स इवेजन ज्यादा होता था, लोग टैक्स की चोरी ज्यादा करते थे. इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है, उन्हें यही नहीं पता था कि एक्चुअल में ये जो टैक्स पे कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है, मतलब ये किन चीजों पे लिवाए होता है, उन्हें पता ही नहीं था इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में. तो ये बोला गया कि डायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए. जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनको रिड्यूस करो, और गवर्नमेंट ने इस सोच से ये रिड्यूस किए कि टैक्स इवेजन ना हो. अगर टैक्स इवेजन, मतलब उनका उनका ही मानना था, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम ये पढ़ेंगे कि इससे कुछ भी नहीं हुआ था.
पर उनका ये मानना था कि टैक्स की चोरी शायद रुक जाए अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स के रेट्स को रिड्यूस करते हैं। साथ में ये बोला गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसके रिफॉर्म्स बनाए जाएं। रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है लॉज जिसको हम बोलते हैं पॉलिसीज, कि जितने भी वैरायटी है इनडायरेक्ट टैक्सेस की प्रोड्यूसिंग यूनिट या प्रोड्यूसिंग सेक्टर को उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एक्साइज ड्यूटी तो एक्साइज ड्यूटी किस चीज पे लेवाया होता है और आप ये क्यों पे कर रहे हो। सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स किस चीज पे लेवाया होता है एंड व्हाई द पीपल आर पेइंग दीज टैक्सेस, और लोगों को एनकरेज किया जाए इन टाइप्स ऑफ टैक्सेस को पे करने के लिए। साथ में टैक्स पे एक प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करो। पहले लोगों को टैक्स पे करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था और बहुत लंबा वेट करना पड़ता था, मतलब एक एक दिन पूरा लग जाता था फॉर पेइंग टैक्सेस। तो ये भी एक रीजन था कि लोग हेजिटेट करते थे टैक्स पे करने के लिए। तो बोला गया कि अब जो है ऐसे रिफॉर्म्स बनाए जाएं जिससे हम टैक्स पेइंग प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर सके। तो ऐसा हुआ भी था कि गवर्नमेंट ने अपने लोगों को जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको अलग अलग एरियाज में भेजा था ताकि लोगों को एनकरेज भी किया जाए और लोगों से मतलब घर जाके टैक्स कलेक्ट किया जाए, मतलब बेनिफिट। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि अभी वैक्सीन के लिए सोसाइटीज के बाहर आप देखते हो या तुमने नोटिस भी किया होगा कि भाई एक वो लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं कि हाँ भाई आप वैक्सीनेट हो जाओ। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो रही है एक तरीके से, सोसाइटीज में हो रहा है यूजुअली ऐसे। तो ये सेम प्रोसेस जो है उस टाइम पे स्टार्ट किया गया कि सिंप्लीफाई करो टैक्स पेइंग प्रोसीजर को, लोगों को बताया जाए कि आप कैसे कैसे टैक्सेस पे कर सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट्स आते हैं फिस्कल या टैक्स रिफॉर्म्स। जल्दी हो गया। ठीक है, तीन सुन लो, अभी तीन रिफॉर्म्स तक ही मैं अभी करवा रही हूँ, मैं आगे और ज्यादा नहीं करवा रही। जितना टॉपिक आज हमने कवर किया है इंक्लूडिंग दीज नीड एज वेल, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन के पहले तीन रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर एंड फिस्कल रिफॉर्म्स, ये तीन रिफॉर्म्स अच्छे से पढ़ लेना क्या बोलते हैं परसों से पहले पहले कम से कम पूरा लर्न कर लेना, ताकि अगली क्लास में विल डिस्कस फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन। ये तीन टॉपिक्स और हम कवर कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इतना तुम्हारा होमवर्क है, नोट्स मैं अभी सेंड करवाती हूँ विद इन 5 to 10 minutes, और आज ही या कल तक अपने इस पूरे टॉपिक को खत्म कर लेना। मैम एक बार रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स बता दीजिए, बताती हूँ अभी। ग्रेशु, रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये है कि पहले जैसे मैं एक प्रोड्यूसिंग यूनिट हूँ तो मुझे यही नहीं पता था कि इफ आई एम पेइंग सेल्स टैक्स, वैसे तो हम पे नहीं करते थे उस टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब लोग नहीं पे करते थे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, पर आप बोला क्लास अगर लीव करना चाहो तो कर सकते हो बाकी बच्चे। ठीक है, कब होगा मनी एंड बैंकिंग ऋषभ, वो मैं बता दूंगी यार, वो मैं बता दूंगी अगली क्लास में। ठीक है, तो ग्रेश पॉइंट ये था कि
इफ आई एम द प्रोड्यूसिंग यूनिट तो मुझे ये नहीं पता कि जो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने बस बोल दिया कि देयर इज एक्साइज ड्यूटी, आपको टैक्स पे करना है, प्रोडक्शन पे लगनी है, बट एक्चुअल में जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है उन्हें पता ही नहीं होता था कि ये जो टैक्सेस है ये किस चीज पे लेवाए हो रहे हैं, तो वो अपनी प्रोडक्शन हाइड करते थे. मतलब वो यही नहीं बताते थे कि एक्चुअल में उन्होंने एक साल में कितनी प्रोडक्शन की है एक पर्टिकुलर फाइनल गुड की, साथ में कितनी सेल्स हुई है एक साल में. तो यही तो छुपाना होता है, जैसे हम इनकम टैक्स में बोलते हैं. तो यही आप अपने अगर फिगर्स को हाइड करके रखोगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी फिगर इतनी कम दिखेगी कि गवर्नमेंट को लगेगा हाँ भाई अब इस पे क्या टैक्स लेवाया करना. तो लोग ऐसे करते थे, एक्चुअल में प्रोडक्शन थी मगर आप प्रोडक्शन कम दिखा रहे थे ताकि आपको टैक्स ना पे करना पड़े. तो द मेन ऑब्जेक्टिव वाज कि लोगों को एनकरेज करो, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को एनकरेज किया जाए कि वो ढंग से टैक्स पे करें, एंड दे मस्ट नो कि एक्चुअल में वो कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं और वो किस चीज पे लिवाए किया जा रहा है. ये था रेशु. ठीक है भाई, निकलो भाई, निकल नहीं रहे बच्चे.